कराची में कब्जा माफिया तारीखी स्कूल के पोया पैजी वही है। रात की उंदाई में तारीखी स्कूल जो फुल होस्ट के खत्म करे इमारत ड्राहन की कोशिश कई वही। पुलिस से सेचो समेत टिन जन के गिरफ्तार करे वरतो आगे। वरे वजीर मुराद अली शाह भी मामले जो नोटिस वरतो आगे। तफसील लाइ ॾिसूं था अब्दुल्ला सोलंगी जी रिपोर्ट। कराची के गार्डन वाले इलाके में रात की उंदाही स्कूल की मोकल जो फायदो वठंदे बिल्डर्स माफिया सिंध के तारीखी विरसे जोफल हर्स्ट स्कूल के डराने की कोशिश कई। स्कूल में पढ़दड़ बारड़न पाड़ेवारन की शिकायत ते मीडिया पहुंती बिल्डर्स माफिया मशीन समेत फरार थी वही। 1931 ईस्वी में कायम थियल जोफल हर्स्ट स्कूल पुलिस मोबाइल के प्रोटोकॉल में राथो पे वे। कब्जे माफिया के अड़े अमल बाद सिंध के वे वजीर नोटिस वे संदन खिलाफ कार्रवाई करने जो हुक्म दिनों। अड़े नोटिस बाद सिंध के तालीम वारो वजीर जाम मेहताब सेक्रेटरी अब्दुल अजीज उकेली एडिशनल आई जी आफ्ताब पठान स्कूल पहुंची वह। मीडिया से गालाइंदे उन्होंने रात के अंधेरे में जो ये कार्रवाई हुई शरपसंदों ने की उसमें मैं सिविल सोसाइटी को और मेहनती साहब को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि इनका एक बहुत बड़ा जो है रोल है जो इन्होंने इन्फॉर्म किया और मौके पर ही एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सिविल सोसाइटी हो वो एक्टिवेट हुए और यहाँ पे पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। लोकल थाने की पुलिस थी लेकिन उनका रोल बहुत ही नेगेटिव रोल था जिन्होंने अपना एक गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो उन्होंने अपना अदा नहीं किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिसको जितनी मालूमात है ये ओपन इंक्वायरी है या स्कूल के जो हजरात हैं जिसको जो मालूमात है वो मुझे नोट करा दे जो है तो बाकी रहा एस एच ओ के सस्पेंशन का मामला। देखिए एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है एस एच ओ की हद में हुआ है तो CPO ने मुनासिब समझा कि उसको जो है उसकी जिम्मेदारी पूरी न होने की वजह से उसको सस्पेंड किया। वाकई में मुलविस SHO समेत टिन जन ते FIR दाखिल करे रिपोर्ट वड़े वजीर डां मोकली वही। स्कूल जी रिपेयरिंग लाए 3 लखन जी फंडिंग जो ऐलान पिण कयो वियो। 2012 ईस्वी में सिंध हुकूमत पारां स्कूल के तारीखी विरसो करार दिनो वियो हो। कैमरामैन वकार शेख सां गॾु अब्दुल्ला सोलंगी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।